बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चलिए देर से ही सही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोगों को हकीकत टीवी की बताई हुई बात आज इमरान खान से मुंह से सच होती हुई नजर आ गई है। जब याद कीजिए ये मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चले, इनको गौर से देखिए। याद है आपको इमरान खान फ्लड एरियाज का जब दौरा कर रहे थे तो अचानक अडयाला के करीब एक विलेज के अंदर एक गाँव के करीब इमरान खान को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी और फिर वहां पर जो लोग थे वो क्रिकेट खेल रहे थे, इमरान खान उनके साथ चले गए। आपको ये बात याद है? कुछ अरसा पहले की बात है, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। इमरान खान ने महसूस नहीं होने दिया, लेकिन हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि ये इमरान खान को मारने की साजिश थी और ये फॉल्ट जानबूझकर क्रिएट किया गया था। इसकी वजह यह नहीं थी कि अचानक हो गया। अब इमरान खान ने बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस वक्त मेरी जान को आपको लगता है कि एक हमला हुआ है, मुझ पर पहले भी हमला हो चुका था। और इमरान खान ने बताया है कि जब मेरे हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की थी तो मुझे पायलट ने बताया था कि फ्यूल के साथ टेम्पर्ड करने की कोशिश की गई है ताकि इमरान खान की जान चली जाए और उसके बाद इमरान खान को फ्यूल का मसला हो जाए। हेलीकॉप्टर टेम्पर्ड कर दिया गया था, खराब कर दिया गया था, उसके अंदर टेक्निकल फॉल्ट क्रिएट कर दिया गया था कि किसी भी वजह से इमरान खान की रास्ते के अंदर मौत हो जाए। यानी बिल्कुल एग्जैक्टली जियाउल हक की तरह इमरान खान का हेलीकॉप्टर क्रैश करवाने की साजिश की गई थी, जिसका खुलासा आज इमरान खान ने पूरी दुनिया के सामने किया है। अब आपको सारी की सारी कहानी समझ आना शुरू हो गई है। इमरान खान ने कहा कि जिन्होंने हमला किया आज भी वो ताकतवर ओहदों पर बैठे हुए हैं। इमरान खान ने किसकी जानिब इशारा किया, ये बात अब कौम को समझ आ जानी चाहिए। इमरान खान ने यह बताया है कि उनको मारने की पूरी कोशिश की गई, यानी उस वक्त भी अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया, ये जो हमला हुआ है उसमें भी अल्लाह पाक ने उनको बचा लिया। अब यहां पर आप इमेजिन कर लें कि इसमें सबसे अहम तरीन बात यह है कि अंदर के लोग शामिल हैं। देखिए, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हेलीकॉप्टर अगर पंजाब से आ रहा है तो इसका मतलब है पंजाब के अंदर से लोग हैं, या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर से आ रहा है, या वहां जा रहा है, जहां से भी आ जा रहा है अंदर के लोग शामिल है। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं होती। बगैर आप बड़े इंजीनियर के या जो हेलीकॉप्टर्स के मामलात को जानता हो उसके समझे बगैर आप किस तरह उनके हेलीकॉप्टर को खराब कर सकते हैं, टेम्पर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब है कोई एक्सपर्ट था जिसकी खिदमात ली गई और इतना सीक्रेट मिशन रखा गया कि इमरान खान को पता तक ना चला। यानी आप इमेजिन कर लें कि मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर उसको सर्विसेज दी जा रही है और देने वाले उसको ले जाने वाले, एक दफ़ा ऐसी सूरत हाल होती है कि इमरान खान का पायलट बेहोश हो जाता है, फिर इमरान खान को हंगामी लैंडिंग करना पड़ती है, उनके काफिले की गाड़ी को आग लग जाती है। आपको क्या लगता है ये सारे हादसात ही है? असल में जिन्होंने इमरान खान को मारना है उन्होंने पहले कोशिश की कि इमरान खान को हम नेचुरल तरीके से मारे ताकि मौत नेचुरल लगे। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि मैं आपको एक जहर का बताऊंगा कि ये जहर खाने में देना चाहते हैं और उसके बाद मेरी मौत या किसी की भी मौत हो नेचुरल लगे। अब आप सोचिए कि क्यों इमरान खान के खानसामों से पूछा जा रहा था, क्यों बार बार शहबाज गिल से पूछा जा रहा था कि इमरान खान खाता क्या है, कहां से उसकी सब्जी आती है, खाना कहां से आता है, किस जगह से आता है। यानी जहां से सब्जी आ रही है, जहां से गोश्त आ रहा है, जहां से चिकन आ रहा है, खाना आ रहा है, मसाले आ रहे हैं, उसमें कुछ मिला दे ताकि इमरान खान, उनको इस चीज की कोई परवाह नहीं है कि साथ और लोग भी खा ले, वो भी मर जाए। आप इमेजिन कीजिए किस लेवल पर जाकर उस बंदे को मारने की कोशिश हो रही है कि पहले नेचुरल तरीके से जब वो सारे नाकाम हो गए तो फिर प्लान किया गया, अच्छा ठीक है इसको डायरेक्टली गोलियां मार देते हैं ताकि किस्सा इसका खत्म हो जाए। आप जरा अंदाजा कर लें कि यहां तक मामला खराब है कि इमरान खान के इर्द गिर्द आप इतना खतरनाक मामला हो सकता है। देखिए, अब तो जहरीली गैसें हैं, जियाउल्लाह के बारे में तीन थ्योरीज पाई जाती हैं कि आमों की पेटियां या मिसाइल मारा गया या जहरीली गैस। तीनों सूरतों में सिर्फ इतना बता दे क्या अमेरिका या इसराइल बाहर से आकर उसने किया कुछ। यानी हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा आर्मी चीफ था, सदर था, उनके साथ हमारे जर्नैल थे, यानी इतना सिक्योरिटी लैप्स हो गया कि उनको फिजा के अंदर इसका तैयारा तबाह हो गया। जो हो गया वो अमरीका के अंदर तो नहीं गया था, पाकिस्तान के अंदर ही हुआ था। कातिल उसका पकड़े गए, सवाल ही पैदा नहीं होता कहां बने उनके कातिल। सारी फाइलें ठप, इमरान खान ने हमले की एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए, मामला ठप। आप इस सूरत हाल को देख लें कि अगर जियाउल्लाह के साथ ये हो सकता तो इमरान खान के साथ भी हुई करने की तैयारी थी। वो ओपनली उस बंदे ने ये बात कह दी है कि जियाउल्लाह जैसा वो जो मामला उसे इंडिकेट कर दिया वही सूरत हाल होने वाली थी कि क्रैश हो जाता, हो सकता है उसके बाद कहीं टेक्निकल फॉल्ट ऐसा होता, बेकाबू हो जाता और सीधा वो जाकर कहते इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था।
आप सोचिए जो इमरान खान को मारना चाहते हैं उनकी एक्सेस देखिए किस लेवल की है। इस लेवल की एक्सेस है कि उसके हेलीकॉप्टर के अंदर फॉल्ट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, फिर उसके बाद जहां वो जाता है इर्द गिर्द के अंदर आपको गैस ऐसी छोड़ देते हैं जहां से उसकी मौत हो सकती है। गोलियां आपने ऑलरेडी उसको मार दी हुई हैं। तो इस सूरत हाल में आप अंदाजा लगा लें कि अभी भी कहा जा रहा है कि आज पिंडी के अंदर उन पर हमला होगा, फलाना होगा। यानी इस सूरत हाल को इंसान कैसे डाइजेस्ट कर सकता है कि आप एक बंदे का फ्यूल तक टेम्पर्ड कर देते हैं, यानी उसके हेलीकॉप्टर में ऐसा फॉल्ट क्रिएट कर देते हैं, पायलट बेहोश हो जाता है। अगर उस दिन पायलट ना होता मुआविन तो आप बताइए उस वक्त सूरत हाल क्या पेश आती। कप्तान इमरान खान को सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के कहीं भी बिलीव नहीं करना चाहिए। देखिए अगर ये FIR इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कटवानी होती तो मुश्किल पेश आती। इसका मतलब है पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है, है तो उनकी हुकूमत लेकिन सिर्फ नाम की हद तक है। इमरान खान को अपने जितने कमांडोज है वो खैबर पख्तूनख्वा से लेने चाहिए। इमरान खान को फोर्स खैबर पख्तूनख्वा की इलीट फोर्स, आज इमरान खान का जो जलसा उसकी सिक्योरिटी कंटेनर्स ये तमाम चीज़ें बुलेट प्रूफ गाड़ी आ रही है, बुलेट प्रूफ शीशे लग रहे, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त काम। इवन के स्टेज पर जो उनके साथ मौजूद लोग हैं पहले उनका सारे का सारा डाटा, उनका पूरी सिक्योरिटी, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ देखा जा रहा है। अप्रूवल होगी फिर उसके बाद खास लोग सिर्फ कंटेनर पर खड़े हो सकेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि किन लोगों की इतनी एक्सेस थी हेलीकॉप्टर तक जिन्होंने, देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इस बात को इमरान खान समझ लें, उनके इर्द गिर्द सांप हैं जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। अब उन सांपों ने जिनको भी एक्सेस थी, जियाउल्लाह के साथ क्या हुआ, आप ये देखिए कि डेढ़ महीने तक जियाउल्लाह को कहा गया सर आपने ट्रेवल नहीं करना। यानी 4 से 5 विजिट थे उनके, हर दफा उनको रोका गया। एक दफा उनको कहा गया कि ठीक है सिक्योरिटी क्लियर आप जा सकते हैं। इसका मतलब है जिस भी बंदे ने उनको मारा, अगर तीनों थ्योरीज मान लेते हैं तो इसका मतलब है एक्सेस अंदर तक थी जिन्होंने जाकर ये काम किया था कि हमारी आर्मी का भी इतना ज्यादा नुकसान हो गया, फौज का नुकसान हो गया, तो आप सोच लें किस लेवल पर जाकर काम हो। तो इमरान खान के साथ भी ये काम हो रहा है। यानी उनको ये बात समझनी चाहिए कि उनको कम लोगों पर ट्रस्ट करना चाहिए। अब जानते हैं इमरान खान पर हमला कैसे हुआ, किसी को इस दफा इमरान खान ने नहीं बताया था अवाम एंकर समेत कि उन्होंने मार्च में जाकर क्या करना, कोई कह रहा था इस्लामाबाद के अंदर ये होगा वो होगा, उन्होंने बताया नहीं था, इसीलिए कि इमरान खान कोई अनहोनी करने जा रहे हैं उन पर एक हमला हो जाता है। तो ये सूरत हाल तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, चीज़ें कंट्रोल से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुकी हैं। आज इमरान खान ने इंकशाफ किया अभी तो वो ये भी बताएंगे कि मुझे कोई खाना दिया गया था उस खाने के अंदर जहर था, मुझे किसी ने बता दिया था, मेरे साथ मामला तो इस तरह के हो गए थे। ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है। और दूसरा वो डॉक्टर रिजवान या मकसूद चपड़ासी और दीगर लोगों के बारे में जो कहते हैं, अब आपको ये चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि उनके साथ कितनी बुरी सूरत हाल पेश आ रही है। स्टिल अभी तक वो बिलीव नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते उन लोगों के ऊपर जो उनके इर्द गिर्द हैं। वो कहाँ से डायरेक्शन ले रहे हैं, क्या सूरत हाल हो रही है, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान अब सारे राजों से पर्दा हटाते जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।